अभी आ रही हूँ मैं रुद्रांश को स्कूल से लेके, और हम अमरूद लेके आए हैं क्योंकि रुद्रांश को अमरूद खाना था। सो ये देखो हमारे पास बाबा। अभी हम लोग आए हुए हैं छत पे, और धूप ना इतनी तेज़ हो रही है देखो। और आज हमारा छत पर खुला है कपड़ा वाला मार्केट बिल्कुल। ये देखो पूरा एक बेडशीट लेके आई हुई थी ना, उसी में सारे कपड़े लेके आई थी। सारे कपड़े ना इस तरीके से पूरा, जो ठंड क्योंकि अब ठंडी आने वाली है ना, तो फिर दिवाली के बाद थोड़ा धूप भी अच्छा कम आती है, मतलब धूप इतनी अच्छी नहीं पड़ती है, तो सोचा उससे पहले ही ना सारे कपड़े सुखा लेते हैं। सो ये सारी कुछ तार पर जैकेट जैकेट डाल दिए, कुछ कपड़े ये डले हुए हैं। तो सारे कपड़े आज हम लोगों ने सुखा लिए हैं, आज सुखाए हैं, कुछ कल सुखाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके सुखा लेंगे। और अभी मुझे क्लीनिंग भी करना है, मैंने सोचा पहले कपड़े वगैरह जो है ना बेड के अंदर से निकाल निकाल के उनको सुखा लेती हूँ, तो फिर सारा मतलब बेड वगैरह सारे अच्छे से साफ, सब कुछ साफ हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग दिवाली पर घर जाएँगे, है ना। सो ये देखो रुद्रांश का क्या काम चल रहा है। करवा चौथ पर ना वो पूजा हुई थी ना, तो वो सीख जो होती है ना पूजा में, वो बटोर बटोर के उसने यहाँ रख लिया। ये सारा ढूंढ ढाड़ के ये रख रहा है। जुड़ गई, धूप तेज लग रही है ना, और धूप ना आज इतनी तेज वाली निकली हुई है। क्या एम से ली हुए हैं, जोड़ जोड़ के बिल्कुल वाइट की ब्लैक कर दी हम लोगों ने टंकी को। इतना काम चला रहे हैं हम उससे। मैं तो चिकन बना लूं। अच्छा चिकन बना रहे हो, चिकन देखा भी है कभी? अच्छा इधर दिखाओ, यहाँ दिखाओ, फेस दिखाओ। आज रुद्रांश का हेयर कट हो गया है, पापा एंड बेटे दोनों का ही। इधर नोज़ दिखाओ जरा, रुद्रांश को पता नहीं नोज़ में क्या इन्फेक्शन हो रहा है, ये फुंसियाँ जैसी कुछ हो रही हैं। अच्छी चिकन ये लगाए, कपड़े का ढेर, इसको लेके जाना है नीचे, पतिदेव लेके जाएंगे नीचे। तुम क्या करोगे? भाई इतने सारे कपड़े हैं आज हमने सुखा दिए रूम में, कल भी इतने ही और सूखने हैं। चादर तो खराब कर दिया ना, पोटली बना दे। बनाई पोटली तो बनेगी उसकी, टांग लोगे? हाँ। अभी मैं फटाफट से सलमेरा को अच्छे से साफ कर देती हूँ, सारा सामान निकाल के। और ये है रुद्रांश के चाचू चाची का वेडिंग एल्बम। सारे कपड़े लग गए हैं, मैंने कहाँ कहाँ लगाए, मैं आप लोगों को पास में कैमरा ला के दिखाती हूँ मैंने कहाँ किस तरीके से क्या लगाया है। ये देखिए रुद्रांश की पूरी अलमेरा मैंने इस तरीके से लगा दी है, एंड यहाँ पे मेरे ना कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ना रुद्रांश के, वो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ये इस तरीके की एक बास्केट है, जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं वो इसमें रख देती हूँ, एंड जो न्यू क्लोथ्स रहते हैं ना वो इन डिब्बों के अंदर रखे रहते हैं। सो ये मैं बताती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो ना हैंगर पर मैं उसकी सारी शर्टों को इस तरीके से हैंग कर देती हूँ, क्योंकि प्रेस करके यहीं पर टांग देती हूँ, ईजिली निकाल लें और यहाँ से फिर पहन सकें। सो यहाँ पर सारी शर्ट टंगी हुई है लाइन से, एंड इस तरफ मैंने लगा रखे हैं उसके सारे पैंट, की सारे कपड़ों में मिक्स नहीं हूँ, एक साइड पैंट लगे हुए हैं, ये उसके हैं अंडर गारमेंट हैं, और एक साइड ये उसकी टी शर्ट्स रखी हुई हैं, क्योंकि शर्ट्स यहाँ लगा दी हैं मैंने, टी शर्ट ये रखी हुई हैं उसकी। सो वो इजीली निकाल लेता है जो भी उसको पहनना रहता है। और अभी विंटर आने वाला है, सो विंटर आने से पहले मैंने उसके कपड़े सुखा के मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, थोड़ी सी स्वेटर्स हैं उसकी जो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। सो इस तरीके से मैं रुद्रांश की अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, एंड ये उसके चाचू एंड चाची का बेडिंग एल्बम रखा हुआ है यहाँ पे। सो काफ़ी स्पेस रहता है, मतलब इतना सारा स्पेस रहता है आगे, तो मैं पीछे उसको लगा देती हूँ। और यहाँ पे उसके जो भी एक्स्ट्रा मास्क वगैरह रहते हैं ना, वो मैं इसमें रख देती हूँ कि ईज़िली यहाँ से निकाल सकें। एंड अभी मैं ड्रॉ ओपन करके दिखाती हूँ, इसका लॉक निकल गया इसलिए इसको इग्नोर करना, और कप आए हुए थे तो मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। सो इस तरीके से मुझे अच्छे से मिल गया है, इसमें सॉक्स वगैरह मैं रख देती हूँ, काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस रहता है। सो इसमें मैंने सारे उसके सॉक्स रखे हैं, और सॉक्स एंड हैंकी रखे हुए हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला ड्रॉ ओपन करूँगी तो इसमें उसके सारे कैप रखे हुए हैं विंटर वाले, ये सारे उसके विंटर कैप रखे हुए हैं। सो बस ये
था रुद्रांश का अलमीरा और ये अलमीरा में उसका सामान। मैंने इस वाली अलमीरा को लगा लिया है, बस अभी मुझे दो और अलमीरा लगानी है, मतलब बेडरूम वाली अलमीरा की भी क्लीनिंग कर दी क्योंकि उसमें कपड़े बहुत सारे हो रखे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई नहीं, मैं अब कर लेती हूँ पूरे। इस तरीके से अभी सारे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, इस काम को भी निपटा देती हूँ एंड देन फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सारी अलमीरा ना मैंने बहुत अच्छे से सेट कर दी है, देखो पूरा पहले साफ़ किया उसके बाद मैंने सारे कपड़े लगा दिए हैं। एंड ये रुद्रांश के पापा की कुछ टी शर्ट्स रखी हैं एंड लोवर, जो मतलब डेली यूज़ में जो कपड़े पहनने वाले हैं वो उनको मैं हैंग करके रखती हूँ जैसे कि ये कपड़े वो फैलाए नहीं। सो यहाँ पे डेली यूज़ वाले कपड़े रखे हुए हैं एंड इस साइड मैंने उनका पैंट रखे हुए हैं सारे जीन्स के एंड ट्राउज़र, और ये उनकी शर्ट्स रखी हुई हैं, ये मेरे कपड़े रखे हुए हैं साइड में, ये सारी चुनियाँ लगा के रखी हुई हैं मैंने लाइन से कि इजीली निकाल सकें जिस भी सूट पे आपको डालना है। ये सारे लेगिन एंड प्लाजो रखे हुए हैं ये एक साइड, एंड ये सारी कुर्ती रखी हुई हैं एंड एक कुर्ती प्लाजो का सेट रखा हुआ है एंड ये एक्स्ट्रा कुछ कपड़े हैं ये रखे हुए हैं। एंड नीचे चलते हैं, सबसे नीचे ये मेरे जीन्स रखे हुए हैं और उसके बाद ये मेरे सूट रखे हुए हैं, ये भी सूट रखे हुए हैं एंड ये कुछ मैक्सी और नाइट सूट रखे हुए हैं। सो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। आज डिनर में मैंने बनाई हुई है एग करी, ये देखो बन गई है, मैंने गैस भी बंद कर दिया है। आज इनका बहुत मन था एग करी खाने का, एग भी रखे हुए थे और सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी तो सोचा एग करी बना लेते हैं क्योंकि फिर वो ही है ना दिवाली वगैरह आ रहा है तो फिर एग रखे ही रह जाएंगी, बन नहीं पाएगा, इससे अच्छा हमने सोचा कि एग बना लेते हैं। ये मेरे लिए ये रखी हुई है क्या बोलते हैं उससे अरबी, ये अरबी की सब्जी है जो मैं खाऊँगी, मैं एग करी नहीं खाऊँगी, ये सिर्फ यही खाएँगे, इनके लिए ही बनाई हुई है मैंने। सो गाइस, जो सारे कपड़े मैं छत से लेके आई थी सारे मैंने फोल्ड करके रख दिए, ये देखो इतने सारे कपड़े, ये कुछ जैकेट्स वगैरह हैं, ये रुद्रांश के कपड़े हैं एंड ये कुछ पैंट वगैरह हैं, ये मैंने सारे फोल्ड कर दिए, अभी थोड़े से और रह गए हैं, फटाक से ये कपड़े रख देती हूँ, इतने सारे थे ना कि अब मैंने ठंडी वाले कपड़े सारे सुखा लिए, बस मुझे ब्लैंकेट वगैरह सुखानी है वो देखूँगी क्योंकि मेरे से अकेले ऊपर तक भी जाते नहीं बनेगा, ब्लैंकेट बहुत हैवी हो जाएंगे।